तो आगे जैसा तो बढ़ना मैं फ्लैंक और स्वागत करते हैं आपका एक और बस्को सिमुलेटर के एपिसोड में। बस्को सिमुलेटर का एपिसोड कल नहीं आया, उसके पीछे का कारण ये कि मैं पार्टी में गया था, पार्टी रिटायरमेंट की थी, और वहाँ जाके जो मैंने जलजीरा पिया भाई साहब, क्या जलजीरा बनाया था भाई, ना वो खट्टा ना मीठा भाई, पता नहीं क्या खिचड़ी पका रखी थी, और बाकी खाना सब कुछ ठीक था पर जलजीरा पी के तो भाई मेरा मन ना अंदर से मर ही गया था। इसी करके ना फिर मुझे बस्को की याद आ गई कि हमने जो कार्ड खोला भाई, कितना अच्छा खाना बनाता है हमारा दोस्त पांडे, और हम कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, इसी करके हमारा चलता यार काम, क्योंकि हम खाना अच्छा बनाते हैं। और वहाँ पर जलजीरा अच्छा नहीं था, इसके लिए मेरे को वो पार्टी थोड़ी सी अटपटी सी लगी। बट अभी हम जा रहे हैं कार्ड पर, और यहाँ पर अभी हमने ना ये जो पांडे ना इसके पास सामान ख़त्म हो चुका है, मुझे इसको सामान लेके आना पड़ेगा, तो अभी मैं ना इसको टेम्परेली सामान देता हूँ, यानी कि थोड़ा बहुत सामान चलता रहेगा इसके पास में, और अभी मुझे ना इसके लिए और सामान लेके जाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ मैं तुम्हें कुछ दिखा देता हूँ जो नया अपडेट आया है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सो अभी देखो यहाँ पर ये रेटिंग तो पहले भी थी, और ये जो अवेलेबल मेन्यूज़ है ना, ये इसमें हम और भी सामान डाल सकते हैं, और ये चीज़ नहीं आई है जो कि सुल्तान के लिए है। सुल्तान में तुम्हें दिखाऊँ, ये पॉलिटिशियन, और ये है वो सुल्तान जिसके लिए स्पेशल हमें एक्सपेंसिव बस्को बनाना पड़ेगा, और ये हमें पैसे भी उसी हिसाब से देने वाला है। और इसमें और भी चीज़ आई है, देखो जैसे एक म्यूजिशियन है, और पिछली बार तो हमने देखा ही होगा यहाँ पर, हमने सिक्योरिटी वाला साशा भी देखा था, शाशा। सो हम इसे हायर करने वाले हैं, बट शाशा को नहीं करेंगे, बट म्यूजिशियन को हायर कर सकते हैं अभी हम, पर मेरे को उसके लिए पैसे छापने पड़ेंगे और यहाँ पर काम करना पड़ेगा। अभी क्या है कि सुबह हुई है, हमने पैसे निकाले नहीं, यानी पैसे छापे नहीं, हमें पैसे छापने पड़ेंगे, फिर उसके बाद हम चलते हैं जाकर म्यूजिशियन को हायर करेंगे आज। और साथ के साथ में अभी मेरे को यार ये जो कार्ट है, अपने कार्ट के अंदर सामान ख़त्म होता जा रहा है, तुम्हें पता है ना बस्को बनाने के लिए दो बस्को चाहिए होते, तब जाकर एक बस्को नॉर्मल बस्को बनता है, तो हमें वो देना पड़ेगा यार। तो उसके लिए ना मेरे को जाना पड़ेगा सीधा सुपरमार्केट, तो अभी मैं इनको सबको खाना खिला दूँ, फिर उसके बाद मैं जाता हूँ सुपरमार्केट, और सुपरमार्केट से हम तीन चार बस्को, यानी बस्को नहीं और भी सामान ले आते हैं, क्योंकि बाकी सामान भी ख़त्म हो रहा है। तो चलते हैं सुपरमार्केट, और सुपरमार्केट से सामान लेके आते हैं सीधा यहाँ पर। तो मैं जा रहा हूँ सुपरमार्केट, थोड़ा घूम फिर के आया हूँ मैं, और ये आ गए हैं हम सुपरमार्केट में। सो सुपरमार्केट में देखो एक नई चीज़ आई है, ये है उल्टा, ये जो ड्रिंक है $7 का, ₹7 का पड़ेगा वैसे बेसिकली, बट हम इसे ना ₹21 में बेचेंगे, देखना, क्योंकि डबल ट्रिपल देंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ सुल्तान के लिए है, एक्सपेंसिव जो पॉलिटिशियन है उन बंदों के लिए, ये हाई प्रोफाइल के लिए। तो ये वेजिटेबल भी ले लेते हैं। अभी क्या है, ये बाकी सारा सामान भी ख़त्म हो गया, मैंने ये डाला नहीं था ना, इसी करके सारा सामान भी ख़त्म हो चुका है अभी। तो नूडल्स भी ले लेते हैं, और ये मसाले भी ले लेते हैं, चलो ये सबको लेके चलेंगे, उसके बाद में हम इन सबको डाल देते हैं अपने बस्को में, फिर पांडे बनाता रहेगा, तब तक हम कोल्ड ड्रिंक भी सर्व करते रहेंगे, और कोल्ड ड्रिंक सर्व करते करते पैसे भी निकालते रहेंगे। अब काफ़ी कुछ अच्छा हो गया, मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं कि जब हम ना इसमें कोल्ड ड्रिंक किसी बंदे को देते हैं तो वो और रुकेगा, यानी तुम समझो कि अगर किसी बंदे को टाइम लग रहा है, उसका खाना बनने में टाइम लग रहा है, और उसका टाइम लिमिट ख़त्म हो गया, तो मैं अगर उसे कोल्ड ड्रिंक पकड़ाऊंगा तो मुझे 25%, यानी कि अगर वो एक मिनट मिल रुक रहा है तो मुझे उसका भाई 25वां भाग मुझे उससे रोकने में लग जाएगा, यानी मैं कोल्ड ड्रिंक दूंगा तो वो रुकेगा मेरे पास में। तो मैं ये सारा सामान भी ढक देता हूँ यहाँ पर, चलो भाई ये सारा डाल देते हैं सामान, क्योंकि ख़त्म हो चुका है, और ये बोल भी रहा था मेरे पास सामान है नहीं पांडे। चलो मैं ना आगे जाके सारा सामान भी ना एक जगह इकट्ठा करके रखने वाला हूँ, तो देखते हैं अभी मैं देखता हूँ किसी एक बंदे को, एक मिनट यहाँ से मैं चलता हूँ। सो अभी मैं ना सोच रहा हूँ क्यों ना भाई म्यूजिशियन को ढूंढा जाए, नहीं पहले स्टूल रखा है ना, ये स्टूल तो लेके आऊँ मैं, पहले स्टूल यहाँ पर सेट कर दूँ, फिर उसके बाद में देखते हैं क्या करते हैं। चलो स्टूल यहाँ फेंके, फिर चलते हैं म्यूजिशियन को ढूंढने। सो मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, अभी देखो जो नई शॉप है ना एक वो खुली है पुलिस स्टेशन के पास में। सो यहाँ की तरफ देख लेते हैं, यहाँ की तरफ से हमें एक बम मिलता है जिसका अभी मुझे काम नहीं है, मैं तुम्हें बताऊँगा आगे जाके कैसे हमारे काम आने वाला है वो। सो ये नई शॉप खुली है, पिछले वाले एपिसोड में देखा होगा तुमने, तब जब हमने खेली थी ये, जब अपडेट नहीं आया था उस टाइम पर ये वाली शॉप नहीं खुली थी, और ये एक्सपेंसिव है भाई यहाँ पर सारा कुछ, ये बेड एक्सपेंसिव, डबल बेड, सिंगल बेड, एक्सपेंसिव भाई एक्सपेंसिव, मज़ा आएगा भाई ये वाला खरीदने में, मज़ा आने वाला है मुझे, क्योंकि अभी तो हमारे पास नॉर्मल सा बेड है, पांडे हमारा सोफे पे सो जाता है भाई, और हम बेड पे सोते हैं, वो भी अगली बेकार से बेड के ऊपर भाई, मधुमक्खियाँ आ गई यार बस को, क्या ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितना सारा कुछ पड़ा है, ये दोनों बेड मेरे को बड़े अच्छे लग रहे हैं, और साथ के साथ ये सोफ़ा जो पीछे की तरफ है ना, ये वाला सोफ़ा मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, तो मैं ये दोनों ही तीनों चीज़ें लेने वाला हूँ, और धीरे धीरे करके हम इसे अपडेट करते रहेंगे। और अभी मेरे को जाना है यार म्यूजिशियन को ढूंढना, तो मैं जाता हूँ म्यूजिशियन को सीधा ढूंढने, क्योंकि मेरे को टाइम लगेगा उसे ढूंढने में, पता नहीं कहाँ होगा। सो मैं यहाँ आ गया हूँ घूमते घूमते सुपरमार्केट में वापस, क्योंकि मुझे सामान चाहिए था कुछ, और यहाँ पे ओ यही यहीं खड़ा हुआ है, मैंने इसे देखा ही नहीं था पिछली बार। तो चलते इसे बात करते हैं भाई ये कौन है, और ये ठीक है तो भाई हमें बंदे की ज़रूरत है, इसे पता चल चुका है भाई, और
ये इसका नाम भाई स्लाफ है और ये रिफ्यूजी है भाई। और हम बसको बिजनेसमैन है तो सीधी सी बात इसे पता ही होगा। अभी क्या हुआ कि इसका ना लास्ट टाइम जो भाई डिजास्टर आया था ना, वो कुछ भी हो सकता है उसके अंदर ना, इसका भाई घर घुर बह गया और ये अपने सिबलिन के साथ रहता है। और जहाँ भी रहता है ना वहाँ पर भाई इसे सोने धोने के लिए भाई जगह नहीं है, यानी समझ लो कि भाई इसे बेड चाहिए एक अभी सोने के लिए। सो अभी हमसे ना 3 बेड मांग रहा है और 3 बेड हमें इसे देंगे, फिर उसके बाद में ये हमारे साथ काम करने लगेगा। सो चलते हैं इसे ना बेड का इंतजाम कराते हैं। बट बेड मेरे को नहीं पता भाई कितने का आएगा, क्योंकि जहाँ पर मैं अभी शॉप पर गया था वो एक्सपेंसिव बेड थे भाई वहाँ पर सारे के सारे। अब मैं वो कैसे लेके दूँ इसे यार। बट इसने अगली बेड मांगे जो कि हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है घर में, वैसा बेड बुट चाहिए इसे। तो मैं सोच रहा हूँ शॉप पे मिल जाएगा हमें, तो मैं पहले जा रहा हूँ अपनी ही शॉप पर और वहाँ पर देखते हैं। अबे ओ तेरी की भाई साहब, ये काट लेके भाग रहा है मेरी। रुक जा भाई, रोजी रोटी है मेरी, बसको सिमुलेटर भाई, रुक जा। ठीक है, मुझे नहीं पता चला भाई ये कब काट चुराने आ गया। तो पांडे जब तक ये लेने आएगा मैं जाता हूँ। तो पांडे काट लेके आ रहा तब तक मैं यहाँ पर आ गया हूँ और मुझे ना अभी यहाँ पे पैसे पुसे छापने हैं। सो अभी पांडे आता ही होगा वहाँ से, तो और उसके बाद में मैंने पैसे छाप के फिर मैंने जाना है भाई अभी 3 बेड लेने। और ये जो देखो मैं तुम्हें दिखा रहा था ना, 3 जो ये बक्से हैं ना, हर रोज़ एक बॉक्स ऐसा गिरता है हवा से, ऊपर से प्लेन के थ्रू गिरता है और उसमें से हमें कुछ भी मिल सकता है। और ये जो बम है ना, ये मैं ख़रीद के लाया हूँ पुलिस स्टेशन के पास से। तुम देख लो, पुलिस स्टेशन के पास में बम मिलता भाई ये, और इसे जला के देखते इसके अंदर क्या मिलेगा हमें। चलो फट जा भाई। ओ भाई साहब बम फट गया है। और भाई न्यूज़पेपर मिले इसमें से यार। चलो कोई बात नहीं, न्यूज़पेपर कुछ तो मिला हमें, ये हमारे काम आ जाएंगे वैसे भी। क्योंकि न्यूज़पेपर अगर मैं खरीदने जाता तो फिर मुझे तुम्हें पता है टाइम लगता है, पैसे लगते हैं, इसी करके न्यूज़पेपर हमारे काम आ जाएगा। अभी नहीं, आगे जाके आ जाएगा। और यहाँ पर भाई मिसिंग हो चुके इंग्रेडिएंट, क्या करूं? इसे रखो, पहले सामान लेके आओ भाई पांडे को ना। मैं सामान लेके ना सोच रहा हूँ सारा, बहुत सारा सामान डाल दूँ उसके बाद, फिर मेरे को बार बार जरूरत ना पड़े इसके पास आने की, तो इसके लिए सामान ले आता हूँ पहले, जाकर डाल देते हैं सामान। तो मैं सामान दे दिया भाई मैंने उसे, और अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पर बेड देखने, क्योंकि यहाँ पर हमें बेड मिल जाएगा। और ये शॉप मेरे घर के सामने ही थी, मुझे पता ही था यहाँ पर बेड बुड मिलता है, मैं कभी गया ही नहीं इधर। तो 3 बेड ले लेते हैं। चलो 3 बेड ले लिए हैं और 2 तो यहीं रखे हुए हैं, इसे उठाओ, रख ले भाई जेब में। चलो भाई इसे उठा लेते हैं साथ के साथ, और इसे भी उठा लेते हैं। और एक और बेड कहाँ है? ठीक है, तो ये बेड इधर कोने में चिपका। 3 बेड हो चुके हैं हमारे पास में, हमें 3 बेड ले जाकर स्लाफ को देने हैं जो म्यूजिशियन है, और फिर उसके बाद में वो शायद से हमारा काम में सीधी बात है, उसे सैलरी तो देनी पड़ेगी बट उसके कुछ सामान भी तो देना पड़ेगा। यहाँ पर कौन है मैं देख लेता हूँ। ठीक है, तो ये कोने कोनों में मैं ना इसलिए घूमता रहता हूँ क्योंकि यहाँ पर ना मुझे पड़ा हुआ बहुत बार सामान मिल जाता है, जैसे टेबल मिल गई थी पिछली बार। और सही बात बोलो तो भाई कभी कभार तो जो हम बसको में यूज़ करते हैं ना सामान, वो भी मिल जाता है और मैं वो डाल देता हूँ अपनी शॉप में, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चलो इसे 3 बेड दे देते हैं। चलो भाई साहब 3 बेड ले, और जल्दी से हमारे वहाँ कर गाना बजाना शुरू कर जिससे हमारे कस्टमर का मन लगा रहेगा। ठीक है, तो ये ले भाई, 3 दे दिए ना तेरे को बेड, खुश है? चलो भाई ये चल पड़ा है हमारे साथ में। चल भाई आ जाएगा मजा तो, क्योंकि आज भाई म्यूजिशियन आ रहा है हमारे साथ में, हमारे कस्टमर बहुत खुश होंगे। और क्या पता भाई हमें अच्छी रेटिंग देने लगे और साथ के साथ हमें पैसा थोड़ा बहुत और बढ़ा के दे दे। सिमुलेटर बसको भाई, बसको बिजनेसमैन है हम, पैसा कमाएंगे ऐसे ही। अब ये जा तो उसी साइड में रहा है शॉप पर, अब ये ना हो कि भाई ये कुछ और मुझसे डिमांड करने लगे कि भाई मुझे और कुछ भी चाहिए, मैं नहीं देने वाला भाई तुझे कुछ बेड दे के, भाई बहुत गरीब हो गया हूँ मैं, वैसे तो $1500 के थे वो, बट कम थोड़ी ना होते हैं भाई। चलो इधर ही आना भाई, यहीं से मुड़ जा, यहीं से बड़ी। ओ भाई वहाँ कहाँ जा रहा भाई, वहाँ नहीं जाना। अबे शॉप तो मेरी लेफ्ट साइड। ओ भाई ये भाई मेरे को लग रहा है धोखा तो नहीं मिल गया मुझे भाई कहीं, ये इसने भाई पैसे लूट ले क्या? और पुलिस वाला यहाँ खड़ा हुआ है, रुको मैं इससे बात करता हूँ। चल भाई घूम, बात ही नहीं सुनी भाई इसने, ये तो निकल गया यहाँ से। रुको, हाँ भाई आप कुछ करोगे भाई? भाई ये पुलिस तो खुद बोल रही है कि भाई 60 चोर को डिफीट करो तो हम तुम्हारी सिक्योरिटी लेंगे, बताओ क्या फ़ायदा भाई मेरे को, भाई धोखा मिल गया है। देखो मैं एक मिनट यार रुको, इसे खोलते हैं एक मिनट, फिर देखते हैं, मे भी शायद से मुझे रात को मिले वो, या फिर कभी नेक्स्ट डे आ सकता है। चलो तो भाई अभी NPC अनलॉक करना पड़ेगा, जो कि मैं कर चुका हूँ यार, मैंने उसे पैसे तो दे दिए ना भाई, बैठ दे दिए ना। चलो हमारे पास सामान काफ़ी पड़ा हुआ है, और ये तो नहीं, एक मिनट रुको, सैलरी में देखते हैं, रुको। ठीक है, तो ये तो इधर है ही है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिन और रात में सिक्योरिटी वाला है, बट यहाँ पर रात के टाइम पर ही सिर्फ अवेलेबल होगा ये हमारा म्यूजिशियन।
कोई बात नहीं, हम म्यूजिशियन को रात को बुलाते हैं, बट रात के लिए भाई मेरे पास ज़्यादा है नहीं, क्योंकि रात को पांडे को रोकने के लिए मुझे उसको अपडेट करना पड़ेगा, और पांडे 5 बजे बाद में काम नहीं करता यार, शाम को मुझे ना उसके लिए अपडेट करना पड़ेगा, और मेरे पास पैसे है नहीं, तो शायद से मुझे पैसे कमा के उसे अपडेट करना पड़ेगा, और उसके बाद में ये जो म्यूजिशियन है ये अवेलेबल होगा हमारे कार्ट के वहाँ। बट यार ये चीज़ सही नहीं है भाई, अगर तुम रात को ही अवेलेबल हो तो तुम रात को मिलते हमें यार, हम कर लेते हैं रात को इंतजाम कुछ ना कुछ। चलो छोड़ो इसको, हमें ना भी कुछ सामान सुमोने ना, जैसे कि देख लेते हैं हम क्या क्या हमें सुबह की ज़रूरत पड़ेगी, बट आपके साथ सामान भी ले आएंगे, क्योंकि हमारी रेटिंग बहुत कम है, रेटिंग बढ़ानी है ना हमने, और ये देखो नई चीज़ भी खुल गई है एक और, बट उसके लिए हमें चाहिए होगा नया मेन्यू जो कि मुझे ख़रीदना पड़ेगा, और नया मेन्यू का मतलब ज़्यादा सामान लगेगा, और सामान अभी मैं दे नहीं सकता, पांडे को नहीं दे सकता है भाई, बहुत मेहनत लगती है लेके आने ले जाने में, और यहाँ से वो भाई बातों में यहाँ से पांडे निकल भी गया, पता नहीं भाई लग रहा है मेरे को घर चला गया, उसका टाइम हो गया ना इसी करके वो म्यूजिशियन भी नहीं आया, क्योंकि वो मेरे को लग रहा है कि वो नाइट में काम करता है, रात को म्यूजिक बजता है यार, सुबह क्या बजेगा म्यूजिक। ओ रुको एक मिनट, ओ मेरे को यहाँ से टेबल मिल गया एक, मैं चलता हूँ इसे लेके, आई मैं ना मैं टेबल लेके जा रहा हूँ ये, और देखते हैं इसका भाई कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल लेंगे। हाँ तो मैं बोलता कि रात को हमें करना चाहिए था, और यहाँ पे एक शॉप और खुली है, मैं देखने आया हूँ इसे। सो ये बेसिकली क्या है, सेकेंड हैंड सामान सुमोन भाई से 30 में खरीद लिया ये, और भी सामान है इसका वैसे, ठीक है तो हम इसे सेकेंड हैंड सामान ले सकते हैं, फ्रिज व्रिज तो हमारे काम आ ही सकता है, और ये बाथटब ठीक है नहाने के लिए काम कर लेंगे हम, काम में आएगा भाई, काफ़ी अच्छा अपडेट है, और इसके पास हम कुछ भी बेच सकते हैं भाई, भाई ठीक है कुछ भी बेच सकते हैं ना, मेरे पर न्यूज़पेपर बहुत सारे पड़े हैं, 3-3 पड़े तेरे पर, न्यूज़पेपर बेचूंगा रुक जा, न्यूज़पेपर चाहिए तुझे, न्यूज़पेपर बेच देंगे हम, कूड़ा कबाड़ बेचेंगे भाई इसके पास में आके ना, क्योंकि टेबल टूबल तो मैंने गलती से बेच दिया है। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं जाऊँगा यार सोने सीधा, क्योंकि मेरे को सोना है, और ये टॉयलेट सीट मेरे को चाहिए नहीं, फ्रीजर मेरे को चाहिए होगा बट अभी मैं लूँगा नहीं इसे। चलो कोई बात नहीं, हम चलते हैं यहाँ से अपने घर पे, और मुझे कल भाई काम भी है यार, पर काम मेरे को भाई बहुत सारा करना पड़ेगा, मुझे कैसे ना कैसे करके वो म्यूजिशियन को लाना पड़ेगा यार अपने पास में भाई, कार्ट के पास में, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैंने उसे 3 बेड दिए हैं, 3 बेड 1500 के थे, और तो और वो आया भी नहीं, और पांडे हमारा भाई 5 से 6 बजे के बीच में पहले ही चल जाता यार घर। चलो कोई बात नहीं, हम चलते हैं यहाँ से अपने घर, और मैं कहाँ ठीक है तो यहाँ पर एक मिनट, सो अभी हम यहीं पे आ गए हैं, मैं देख लूँ पहले इधर से कुछ सामान है क्या मापा बेचने लायक। हाँ वैसे तो मेरे पास टेबल पड़ा है, मैं टेबल बेच सकता हूँ वैसे, ठीक है तो ये टेबल ले आते हैं, ये टेबल जाकर बेच देते हैं और देखते हैं कितना का बिकेगा। वैसे मेरे को ये सामान पड़ा हुआ काफ़ी मिलता है, और वो जो हमने बॉक्स देखा था ना जो हवा से गिरता है ऊपर आसमान से, वो वाले बॉक्स में भी कई बार टेबल कुछ भी मिल जाता है, और जो ही मिलेगा मैं उसे बेचता रहूँगा, काम आता रहेगा हमारे पास में। और ये जो कि हमें अनलॉक करनी है ये अभी हमारे काम का है नहीं, अनलॉक कर नहीं पाएंगे अभी हम इसे, अभी हमने कार्ट को भी अपडेट करना है यार, कार्ट को अपडेट करने के लिए बहुत पैसा चाहिए भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। चल ले भाई पकड़, खरीदा नहीं क्या तूने, रुक जा ले भाई पकड़, क्या हो गया रुक जा, ऐसे देना पड़ेगा इसे में, चलो ले भाई अब ले पकड़, ठीक है तो इसने 40 में खरीद लिया हमारे टेबल, कोई बात नहीं, वैसे काम नहीं आ रहा था हमारे टेबल, अगर मैं लगाया था तो ज़्यादा कस्टमर आए थे, और कस्टमर को अगर टाइम पर खाना नहीं मिलता तो रेटिंग गिरा के चल जाते साले, इसी करके मैंने इसे बेच दिया है। कोई बात नहीं, अब मैं कल सुबह ना इसके पास में आके रद्दी बेचूंगा अपनी, जो 3-3 महीने अखबार रख रखे ना वो बेचूंगा। मैं जा रहा हूँ अभी सोने, सुबह उठेंगे और सबसे पहले जाकर उस म्यूजिशियन को ढूंढूंगा, मैं उससे बात करना चाहता हूँ क्योंकि वो कल क्यों नहीं आया, जैसे कि बॉक्स मिला हुआ मुझे ठीक है तो ये बॉक्स मेरे काम आएगा, मैं इसे रख लेता हूँ ठीक है, तो सुबह जाते हुए ना अपनी शॉप पर डाल दूंगा इसे, काम आ जाएगा अपने ये। चलो चलते हैं, और ये मैं जा रहा हूँ सोने, फिर देखते हैं कि भाई नेक्स्ट डे क्या होने वाला है, पांडे पहले ही आ गया होगा, इसे भाई ये बहुत थक जाता है, पर इसे ना मेरे को भाई रिश्वत दे दे के इससे काम कराना पड़ेगा, ये बाथरूम है ना यहाँ पर, मैं जाकर अपना सामान लेके आ सकता हूँ, खरीद के लेके आके रख सकता हूँ इसे, कोई बात नहीं हम कर लेंगे ये। और ये किचन है बाथरूम में यार, समझ नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, मैं चल रहा हूँ पहले सोने, सोएंगे फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे देखते हैं कि नेक्स्ट डे हम कैसे म्यूजिशियन को ढूंढते हैं, क्योंकि उसे ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। तो सुबह हो गई है और मैं भाई पांडे के पास में ही था, काम कुम किया हमने, और मैंने ये म्यूजिशियन यहाँ ढूंढ लिया, ये हराम को यहाँ बैठा हुआ है, और इसे मैंने बोला था भाई आ जाओ, पर ये आया नहीं, इससे पूछ रहा हूँ भाई मैं कि कहाँ भाई यहाँ पर क्या कर रहा है तू, ये बोल रहा भाई लास्ट टाइम के लिए भाई बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा भाई, तूने बैठ दिया बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, और अभी इसको भाई सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए चाहिए भाई साहब को स्टोव चाहिए भाई स्टोव, बेड मांग रहा है अब स्टोव मांग रहा है, अब आगे जाके बोलेगा मेरे पास घर नहीं रहने के, घर दिला दो फिर मैं आता हूँ म्यूजिक बजाने, ये क्या बात बनी। कोई बात नहीं स्टोव भी देते हैं यार, इतना तो चलता ही है। इधर आ गया हूँ मैं इलेक्ट्रिक शॉप में, यहाँ पर स्टोव मिलेगा क्या,
वैसे मैंने स्टॉफ देखा था यार, एक्सपेंसिव वाला था, मगर वो वहाँ पर था भाई, पुलिस स्टेशन के पास में जो शॉप थी। और एक्सपेंसिव वाला मैं क्यों दूंगा इसे यार, इसका पक्का भी नहीं पता, लास्ट टाइम ये बैड लेके गायब हो गया। चलो देखते हैं, एक्सपेंसिव वाले स्टॉप देख लेते हैं कितने का है फिर भी। बट ये लास्ट टाइम यार गायब हो गया था यार, तुमको भी पता यार, बैठ दिया मैंने इसे और ये गायब हो गया। और यहाँ पर ये जो एक्सपेंसिव ये वाला स्टॉप, रुको एक मिनट, यहाँ पर है ये स्टॉप, देखो 3 लाख कुछ का ये, 320 का। और मैं ये क्यों दूंगा यार इसे 320 का, भाई ये तो बहुत महंगा पड़ेगा मुझे, 1500 के मैंने इसे बैठ दे दिए तीन तीन, यानी कि ये अकेला नहीं रहता है, दो बंदे और साथ में रहते हैं, यानी कि दो सिबलिंग और हैं इसके। चलो मैं आ गया हूँ यहाँ पर भाई ढूंढते ढूंढते, और ये जो शॉप है ना मुझे मिली है अपने घर के सामने ही, यहाँ से मैंने उसे बैठ दिया था अगले वाला, ठीक है स्टॉप मिल गया मुझे 800 रुपये का स्टॉप है यार, मैं भी क्या सोच रहा था, कोई बात नहीं दे देते हैं इसे यार, बच्चा है भाई, अच्छा खुश हो जाएगा कोई बात नहीं खुश हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसे 1500 प्लस 800 यानी काफ़ी महंगा साबित हो रहा है हमारे लिए, और यहाँ पर चल के इसे दे देते हैं स्टॉप, ले पकड़, आप चल लियो चुप करके, नहीं तो मैं तो बता रहा हूँ भाई, ले पकड़, दे दिया ना स्टॉप तुझे, खुश है अब तू, हम भाई यहाँ पे से चल के सीधा भाई गाना बजाना चलना है तू, ठीक है, कहाँ जा रही है, वैसे जा तो सही रहा है क्योंकि शॉप हमारी इसके बैक साइड ही है सुपरमार्केट के, अब यहाँ से ना गया ना आज तू काम पे फिर देखे तेरे को मुक्के मार मार के सुला दूंगा, नहीं तो बम से उड़ा दूंगा, देख ले तू कहीं भी खड़ा हुआ मिलेगा ना, मैं बम खरीद के लाकर बम से उड़ाऊंगा तुझे, आ जा रहा है ना भाई, बता तो दे हाँ हूँ, कुछ तो कर दे भाई साहब। चलो देखते हैं ये आज आता ही नहीं, आज हमारे शॉप पर, मे बी आ जाए आज क्योंकि रात भी हो चुकी है। और हमने पांडे का यार वैसे तो मैं बताऊं पहले वो ना भाई सिर्फ और सिर्फ 6 बजे तक रुकता था, मैंने उसको अपडेट किया पांडे को, और वो अब 8 बजे तक रुकता है, बस को बनाता है 8 बजे तक। वैसे मैं उसे और भी अपडेट कर सकता हूं, बट उसके लिए मुझे कम से कम 4 लाख रुपये चाहिए होंगे। और ये भाग गया, देख रहे हो कितना तेज है लड़का, भाग गया, ये आएगा नहीं है भाई, वहाँ पर बस कोई वाला ही नहीं है कार्ट हमारा, तो यहाँ पर ही आके क्या करेगा, आज वापस धोखा दे दिया भाई म्यूजिशियन ने यार, क्या करूँ मैं इसका, मुझे लग रहा है ना कि मेरे को अपडेट करना पड़ेगा। सो भाई जा रहा है भाई, ये निकल गया, अब सोने जा रहा है सीधा ही, काश मैं वहाँ भी जा सकता हूँ, वहीं आकर तोड़ता इसे मैं, कोई बात नहीं, इसे भी मेरे को खोलना पड़ेगा, बट भाई ये 60 थीफ मांग रही है, कहाँ से लेके आए इसके लिए चोर। चलो चलते हैं, ये चला गया भाई साहब 20 यानी 8 बजे तक काम कैसे है, चला गया ये, बट कोई बात नहीं होता है भाई, कोई दिक्कत नहीं यार, इसे मैं बंद कर दूँ ये, क्योंकि ये जले जा रही है भाई, मतलब ये मेरा पैसा खर्चा होगा भाई यहाँ पर, ये भी जल रही है, इसे भी बंद कर देते हैं और यहाँ से चलते हैं भाई, अब क्या कर सकते हैं, कुछ है नहीं, अब हमारा वो चला गया है। तो ये देखो एक मिनट, ये देखो यहाँ पर मैंने इसकी बढ़ा रखी है वो, ये देखो वो मोटिवेशन बढ़ा रखी है इसकी मैंने 8 बजे तक, 3 हो गए हैं इसके स्टार, मुझे इसको पूरी रात पे काम लगाने के लिए ना, मुझे यहाँ चल के देखता हूँ मैं, एक मिनट कहाँ गए हैं, ये रहा मोटिवेशन, देखो 2 सोल्ड मैंने कर लिए, खरीद लिया, और ये 43 भाई 43,750 का, ये इतने तो पैसे ही नहीं है भाई मेरे पास में, इसके लिए तो भाई मेरे को बहुत काम करना पड़ेगा तब जाके मैं खरीद पाऊंगा इसे यार। और इससे मेरे को लग रहा है कि मैं इसे ना 11-12 बजे तक रोक पाऊंगा, ठीक है यहाँ पर बहुत कुछ है, फास्ट चल सकता है, ये खरीद सकते हैं, हम ये खरीद लेंगे कोई बात नहीं। और यहाँ पर रोज़ भी एक्सपेंसिव बस को, स्पाइसी बस को, वेजिटेरियन बस को, ठीक है ये हम खरीद लेंगे अभी, अभी नहीं, बट हमें कार्ट को अपडेट करना पड़ेगा तब करेंगे। और अभी मैं जा रहा हूँ यार सोने, मेरे पास और कुछ काम है नहीं, मैं जाता हूँ सोने, फिर उसके बाद में देखेंगे कि क्या होता है। सो अभी यहाँ पर भाई सामान सुमून रखा हुआ है मेरा सारा, और चोरी भी नहीं होगा क्योंकि रात को कौन चोर आएगा, चोरी वैसे हो सकता है रात को हो सकती है, बट अभी तक तो कोई चोरी चोरी हो ही नहीं रात को, इसलिए मैं जा रहा हूँ अभी सोने, रेस्ट मारेंगे अपने घर जाकर, और वो म्यूजिशियन की मैं बैंड बजाऊंगा बाद में देख लेना, क्योंकि वो आया ही नहीं भाई अभी भी, मुझे थोड़ा बहुत अपडेट करना पड़ेगा अपने बस कोमैन को, उसके बाद में ही अपना बस कोमैन काम करेगा और फिर म्यूजिशियन आ पाएगा हमारे पास में, फिर हम और भी अच्छी रेटिंग कर पाएंगे अपने शॉप की। बट उसके लिए पहले मेरे को ना सोच रहा हूँ क्यों ना भाई स्पाइसी जो और खाना है वो अपडेट कर लूँ। तो चलो आज की एपिसोड के लिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर भी करो, बाकी मैं जैसे कोई लक्षण हूं कोड का नाम से आया ना आगे, सुनने से पहले ये लड़के सब भागे, लेते कहानी मेरे लफ्जों में चार, कुछ करते पसंद कुछ खा रहे खार, भाई तेरा जानता है करना चुदल, जहां लगता गलत सब ते उगल नहीं नकली फसल, मैं तो वक्त असल, जब रगड़ा कलम छुरू तब से हसल।